रिंकल्स हैं वो हटाएंगे, स्कार्स हैं, गड्ढे हैं, एक्ने हैं, अच्छा फिट आएगा। आपके थोड़े से फ्रैकल्स जैसे हैं। अब चलिए मैं आपको अंदर वाला एरिया भी दिखाती हूँ। बैक्टीरिया रहे या कि स्प्रेयंस, तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया। आप अपने फेस को करवाना चाहते हो तो ये बेस्ट होता है हमारा हाइड्रा फेसियल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं चपाटिक। हां जी गाइस, आप अभी देख सकते हो हम अभी कहां है। मेरे पीछे आप देख सकते हो पटना के कंकड़ बाग में खुल के हमारा तैयार हो चुका है ब्यूटी लैब। यहाँ पे ना ये क्लिनिक है बेसिकली, जहाँ पे आप अपने स्किन के लिए ट्रीटमेंट करवा सकते हो। बहुत सारे ट्रीटमेंट, एक दो नहीं, ठीक है, स्किन एंड हेयर के लिए। तो चलिए चलते हैं और पूरी डिटेल्स में आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाते हैं। आप एंटर यहाँ से करते हो, यहाँ पे एक सुंदर सा आपको एरिया देखने को मिल जाएगा। कल ही ओपनिंग हुआ था यहाँ पे, इस वजह से रोज़ रोज़ ज़्यादा मुरझाए भी नहीं, सो देख सकते हो। एंड यहाँ पे अब चलिए मैं आपको अंदर वाला एरिया भी दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, छोटा नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और गैस जैसे आप यहाँ पे अंदर आते हो ना, तो यहाँ पे क्लिनिक में जो डॉक्टर साहब हैं हमारे, वो यहाँ पे बैठते हैं ताकि आप लोग जो भी डिटेल्स हो या फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हो, सारी चीज़ें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। तो आपके फेस पे जो सन डैमेज है वो जाएगा कार्बन पील से या फिर लेज़र टोनिंग से, दोनों सेम लेज़र डिवाइस से होगा, लेकिन लेज़र टोनिंग से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। आपके थोड़े से फ्रैकल्स जैसे हैं, ये बेसिकली सन डैमेज ही है। उसके लिए कुछ मतलब लगाना होगा ना भी है? अगर कार्बन पील करेंगे तो पहले कार्बन लगाएंगे, फिर उसको लेज़र से स्ट्राइक करेंगे। अगर हम लेज़र टोनिंग कर रहे हैं तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फायर करेंगे। आपके ऊपर लेज़र टोनिंग ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी सब ठीक है मेरे स्किन? बाकी सब बढ़िया है। हाइड्राफेशियल एंड ऑल करेंगे तो आपके पोर्स एंड ऑल भी क्लियर हो जाएंगे, थोड़े सा अनइवन सरफेस है वो सब भी जाएगा। ओवरऑल आपका स्किन बढ़िया है, खाली सन डैमेज से बचाना है। और मेरे ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ? हेयर फॉल एंड आई थिंक आपका हेयर थोड़ा थिन भी है, राइट? हाँ, बहुत ज्यादा। सो हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग के लिए एक न्यू डिवाइस आई है, LLLT लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी। तो बेसिकली हम आपको एक चेयर के नीचे बैठाएंगे, लेजर के नीचे आपको चाय पीना है 15-20 मिनट तक, और वो जो लेजर है एक आपके हेड को कवर करेगा। और 650 नैनोमीटर जब लेजर आपके हेयर स्कैल्प को स्ट्राइक करता है तो वो दो चीज करता है, एक तो हेयर डेंसिटी बढ़ाता है और दूसरा आपके हेयर को थिक करता है, जो स्ट्रैंड्स है वो मोटे होने शुरू हो जाते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द ओनली प्रोसीजर जहाँ पे हेयर की थिकनिंग होती है। हम PRP भी करते हैं, जब आपका ब्लड निकाल के आपके स्कैल्प में डालते हैं, उससे हेयर डेंसिटी बढ़ती है बट थिकनिंग नहीं होती है। लेजर हेयर थेरेपी इज द ओनली वन जिससे कि हेयर की थिकनिंग होगी। अगर दोनों को कंबाइन कर दें, PRP और लेजर हेयर, देन आपकी थिकनिंग भी होगी, डेंसिटी भी बढ़ेगी। अच्छा, इस प्रोसेस को मतलब एक बार कराने से हो जाएगा फिर से? नहीं, इसको आप जैसे विटामिन खाते हो तो खाना पड़ता है, बार बार वो करवाने की जरूरत होगी। यस, अगर आप मानो 4-5 सेशन कराओगे तो उसके बाद आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इफेक्ट दिखना शुरू होगा, एक बार में कोई भी चीज उतना जल्दी इफेक्ट नहीं दिखाता। एग्जैक्टली, लेकिन दिखना शुरू होगा तब आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप कराओगे और फिर अपना आपका डेंसिटी बढ़ेगा। अच्छा, 3-4 बार के बाद आपको समझ में आ जाएगा इट्स वर्किंग। हाँ, तो सर प्लीज मेरी ऑडियंस को दिखाइए कि कौन कौन सी डिवाइसेस है आपके पास हेयर और स्किन के लिए। श्योर, सो हमारे पास सबसे जो हमारा क्राउन ज्वेल है वो है ये एल्मा का हार्मनी एक्सेल प्रो। ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा लेजर है, द मोस्ट एडवांस्ड लेजर इन द वर्ल्ड। अपार्ट एंड दिस विल हेल्प यू डील विद पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग, रिंकल्स हैं वो हटाएंगे, स्कार्स हैं, गड्ढे हैं, एक्ने हैं, सब हट जाएंगे। एंड इट ऑल्सो रिमूव्स हेयर, फुल बॉडी हेयर रिमूवल, सारी चीज़ यहाँ से इस एक लेजर से होती है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव हाइड्रा फेशियल जो कि इतनी पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं हाइड्रा फेशियल के बारे में। इसकी सेक्शन प्रोब इज वेरी नाइस, इट विल पुल आउट ऑल द डर्ट फ्रॉम योर पोर्स एंड आपके ऑयल से अंदर से क्लीन। अगर आप अपने फेस को करवाना चाहते हो तो ये बेस्ट होता है हमारा हाइड्रा फेशियल। यस, और ये इंस्टेंट आपको एक ग्लो भी देता है क्योंकि सक्शन प्रोब जो है ब्लड को आपके स्किन की तरफ खींचता है, तो आफ्टर आपको क्विक अगर रिजल्ट चाहिए ना तो ये आपको तुरंत लेके देगा। अगर शाम को आपको पार्टी में जानी है, हाइड्रा फेशियल इज व्हाट यू वांट। अगर आपको 15-20 दिन के बाद कोई शादी अटेंड करनी है, देन दिस विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। ये भी इंस्टेंट रिजुवेनेशन देता है, बट नेक्स्ट 15-20 दिन तक ये आपको ब्राइटन करता रहेगा। अच्छा, सो थोड़े डिफरेंट इसके यूज केसेस है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव MNRF, इसका फुल फॉर्म है माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। बेसिकली नीडल्स अंदर जाते हैं, छोटी सी नीडल होती है और वो एनर्जी रिलीज करती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो आपकी स्किन को टाइटन करता है, फैट को भी डिजोल्व करता है। एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये फोटो देखिए कि कैसे इनका डबल चिन को डिजोल्व किया गया है
फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन और MNRF के कॉम्बिनेशन से। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ये वाली फोटो देखेंगे स्ट्रेच मार्क्स की, तो ये MNRF एंड लेजर को यूज़ किया गया है। कितनी स्ट्रेच मार्क्स है लेकिन देखिए उसको पूरा हटा दिया गया है। मल्टीपल सेशन लगते हैं बट इट कैन बी अचीव। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव LLLT लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी। ये हेयर को स्टिमुलेट करता है, बायो स्टिमुलेट करता है। 650 नैनोमीटर लेजर आती है, स्कैल्प को स्ट्राइक करती है, हेयर की डेंसिटी भी बढ़ाती है और हेयर की थिकनेस को भी बढ़ाती है, जैसा कि सर ने कुछ देर पहले बताया था हम लोगों को। राइट, सो दिस इज द ओनली सच लेजर दैट डज इट। सो ये हमारा पूरा आर्सेनल है। इसके अलावा हमारे कुछ और डिवाइसेज आ रहे हैं, जैसे कि कूल स्कल्पिंग की डिवाइस आ रही है, हाइफो की डिवाइस आ रही है। सो वील ऑल्सो बी डूइंग बॉडी कॉन्टोरिंग एंड फैट मेल्टिंग और स्किन टाइटनिंग के लिए एक और डिवाइस हो जाएगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाय, सो सबसे पहले हमने इनके फेस का मेकअप जो भी था, लिटिल बिट आईलाइनर, सनस्क्रीन या फिर डस्ट एंड ऑल, उसको हमने पहले क्लेंस किया है, निकाला है, फेस रिमूव किया है। सेकंड, हमने इनके फेस को अल्कोहल स्वैब से क्लीन किया है ताकि फेस के ऊपर किसी भी तरीके का बैक्टीरिया रहे या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन कॉजिंग अगर कोई ऑर्गेनिज्म रहे तो उसको किल किया जाए। एंड उसके बाद हम अभी कर रहे हैं क्लेंजिंग एंड अभी होगा हाइड्राफेशियल स्टार्ट। क्योंकि ब्लड सप्लाई अभी ऐसे सक्शन के थ्रू स्किन के ऊपर आया है, रेडनेस है, तो ये उसको काम डाउन करेगा, सूद करेगा। तो गैस ये पे मेरा अभी सारा प्रोसेस हुआ है और हमने ना ये वाला क्लिप बाद में मैं बना रही हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे सारा मशीन वगैरह जो भी है ना वो सारी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, यहीं पे आपको सुला के सारा कुछ होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस, तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अगर आप लोग भी कुछ करवाना चाहते हो स्किन ट्रीटमेंट वगैरह तो आप यहाँ पे आके डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सर्विस। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो एक और रूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जहाँ पे हाइड्रा फेसियल होगी। अभी तो एक ही रूम में हो रही है बट आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक बॉडी मसाज वाली जो मशीन लंबी लंबी सी होती है वो मशीन वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें भी आने वाली है, जो कि पूरा बॉडी में जो मसाज वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है मुझे तो उतना पता भी नहीं है। ठीक है, तो आप में से अगर किसी को पता हो या फिर करवाते हो, यार मुझे पता है मुझे बहुत अमीर अमीर लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग करवा सकते हो। एंड ब्यूटी लैब में ऐसे पटना में बहुत कम इस टाइप की क्लिनिक है जो कि अच्छी है स्किन के लिए स्पेशली। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके करवा सकते हो सारी चीज़ें। एंड यहीं पे वही है सेम चीज़, यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह रखा जाएगा एंड यहाँ पे हमारा स्पेशल एरिया मिरर वाला एरिया, ताकि आपका जब स्किन चमक जाए ना तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो सुंदर सा चांद सा मुखड़ा। तो गाइस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।